हेलो गाइस, वेल कम टू माय चैनल हेल्थी लाइफ। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस देखिए, आज मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही शुभ उपाय है, जो कि आपको तुलसी की सूखी लकड़ी से करना है। जो आप देख रहे हो ये तुलसी की सूखी लकड़ी है। तो आइए जानते हैं क्या है उपाय। और प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए जानते हैं। ये आप देख सकते हो मेरी तुलसी सूख चुकी है, और मैंने इसी तुलसी की लकड़ी लेकर जो अमावस्या के उपाय है मुझे करना है। तो आज है माह की अमावस्या 2024 की, तो ये बहुत ही शुभ होती है माह की अमावस्या। तो माह की अमावस्या का जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, तो उपाय का आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन याद रहे कि कभी ये हरी तुलसी को ना तोड़ें, सूखी तुलसी की ही डंडी आपको लेनी है। तो आप देख सकते हो ये तुलसी सूख चुकी है, क्योंकि सर्दी इतनी पड़ी थी कि सर्दी के चक्कर में ठंड से हमारी तुलसी सूख चुकी है। तो मैंने इसकी ही एक लकड़ी तोड़ के ले ली थी। वैसे भी वो टूटी गई थी क्योंकि वो ज़्यादा सूख गई थी। तो इस लकड़ी से मैंने उपाय किया है। तो जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ वो उपाय बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि माह की अमावस्या बहुत ही शुभ होती है। तो अवश्य करें उपाय। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या उपाय है। तुलसी की सूखी लकड़ी जो कि आपको तोड़नी नहीं है, आपको जो तुलसी सूख जाती है उसमें से लेनी है। जो तुलसी हरी है उसकी लकड़ी नहीं लेनी है, जो तुलसी सूख जाती है उसकी सूखी लकड़ी लेकर पानी में डुबोकर, पानी में भिगाकर, पानी भ्रमण कराकर इस तरह से जो व्यक्ति अमावस्या के दिन इस जल से, तुलसी के जल से जिसमें हमने पानी की लकड़ी घुमाई है, इस जल से स्नान कर लेता है, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर हजार गुना फल उस व्यक्ति को मिलता है। तो अमावस्या के दिन ये उपाय करना